हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको SMPS कैसे रिपेयर करते हैं वो बताने वाले। जनरली SMPS में कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होती है, कुछ कंपोनेंट्स फॉल्टी हो जाते हैं और उसके वजह से SMPS वर्क करना बंद कर देते हैं या फिर वो मल फंक्शनिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने इस SMPS के प्रॉब्लम को सुधारा है, और आप भी आपके पास का कोई SMPS है अगर इस तरीके की कुछ उसमें इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक पहला SMPS लिया है, ये 5 वोल्ट का SMPS है। इसमें इश्यू ये है कि ये कंटिन्यूसली पावर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ऑन ऑफ हो रहे हैं, जैसे कि आप इसके पावर इंडिकेशन LED से भी देख सकते हैं। जब कभी भी हम इसमें लोड लगाते हैं तो वो ऑन ऑफ होने लगते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो अब हम आपको बताएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक टेस्ट बेंच बनाया है जिसमें काफ़ी सारे बल्ब्स लगे हैं। उसमें से एक बल्ब को लेके हमने इस SMPS को सीरीज में कनेक्ट किया है। अब सीरीज में क्यों लगाया है, उसका एडवांटेज ये है कि अगर कभी SMPS में ही शॉर्ट सर्किट हो तो बल्ब कंटिन्यूसली ग्लो होने लगेगा और हमको समझ जाएगा कि SMPS के प्राइमरी साइड में शॉर्ट सर्किट है। अगर इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा PCB में, प्राइमरी साइड में, तो ये जो SMPS हमने सीरीज में कनेक्ट किया है बल्ब्स के थ्रू, वो बल्ब सिर्फ सिंगल टाइम ऑन होके ऑफ हो जाएगा। वो भी अभी हम आपको यहाँ पे शो करके दिखाते हैं। जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे ये बल्ब एक बार ऑन होगा और उसके बाद ऑफ हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब आप सेफली इस SMPS को आगे टेस्ट कर सकते हैं, उसके प्राइमरी साइड में कोई भी इश्यूज नहीं है शॉर्ट सर्किट रिलेटेड। अब फर्दर इसमें क्या प्रॉब्लम है वो अभी हम देखेंगे। इस SMPS को ओपन करते हैं और चेक करते हैं हर एक कंपोनेंट में कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे फॉल्टी है। SMPS ओपन करते समय आप सबसे पहले पावर ऑफ को ऑफ करेंगे। पावर ऑन कंडीशन में SMPS को ओपन नहीं करेंगे, अदरवाइज शॉक लगने का डर होता है। यहाँ आप कंपोनेंट्स देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट्स अच्छे ही लग रहे हैं। विजुअली देखने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें से कोई कैपेसिटर फॉल्टी है या फिर कोई रेजिस्टर जला हुआ है या फिर ट्रांजिस्टर जला हुआ है, कोई आईसी इसमें डैमेज आया है, कि ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बैक साइड से भी हम देख सकते हैं तो बैक साइड में भी हमको ऐसा कोई इशू नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कोई कंपोनेंट फॉल्टी हुआ होगा करके। फिर भी अब हम यहाँ पे कुछ टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से हम इसमें पावर ऑन करते हैं, मीन्स इस SMPS को पावर देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। तो देखिए फिर से वो LED वैसा ही ब्लिंक कर रहे हैं। कोई और कंपोनेंट यहाँ पे फॉल्टी नहीं है, बट LED इस तरीके से ब्लिंक कर रहे हैं। तो हमारा पहला डाउट जो जाएगा वो इस पॉट पे जाएगा। यहाँ पे 102 लिखा हुआ है, ये पॉट में भी फॉल्टी हो सकता है। यहाँ पे 1K का पॉट लगा होना चाहिए। तो अब हम उसका मेजरमेंट करेंगे कि उसका वैल्यू कितना दिखा रहा है, मल्टीमीटर के थ्रू हम उसको चेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम मल्टीमीटर से इसको चेक कर रहे हैं, तो ये जो पॉट लगा हुआ है, वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है, ये 1K के जगह हमें ओपन सर्किट दिखा रहा है। मीन्स यहाँ पे 1K से ज़्यादा वैल्यू हमको शो हो रही है, जबकि वो 1K या 1K से बिलो दिखाना चाहिए था, क्योंकि पॉट को अगर हम एडजस्ट करते हैं तो उस की वैल्यू जो होती है वो 1K या 1K से बिलो हो जाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है। अगर हम मल्टीमीटर में मेजरमेंट का जो रेंज है उसको चेंज करते हैं, जैसे मैं उसको रेजिस्टेंस का वैल्यू 20K की रेंज में मेजर करता हूँ, तो यहाँ पे करीब करीब 10K का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो वो 10K का रेजिस्टेंस तो एक्चुअली होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब पॉट ही आपका 1K का है तो वो 10K कैसे शो करेगा। तो उसका रीज़न ये है कि ओवरऑल जो सर्किट में कनेक्शंस है उसका भी रेजिस्टेंस यहाँ पे वो मेज़र करके दिखा रहे हैं, तो उस वजह से वो वहाँ 10K दिखा रहे हैं। तो अब हम इसको
रिप्लेस करेंगे, पहले इसको डिसोल्डर करके निकालेंगे और उसके बाद फिर एग्जैक्टली कितना वैल्यू ये शो कर रहे हैं वो देखेंगे। डिसोल्डरिंग करने के लिए आपको उसको पहले थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेना है और उसके बाद सोल्डरिंग आयरन से हीटअप करना है और उसके बाद पुल कर लेना है। तो इस तरीके से वो आपका जो पॉट है, फॉल्टी पॉट है, वो निकल जाएगा। अब इस फॉल्टी पॉट को हम बाहर में एक बार चेक करेंगे क्योंकि अभी सर्किट में तो वो है नहीं, तो मल्टीमीटर से जब देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं वो ओपन सर्किट दिखा रहा है। मीन्स ये जो पॉट है ये ओपन हो गया है और इसके वजह से ही वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब हमारे पास एक नया ये है, क्या बोल सकते हैं, पॉट है, 1K का पॉट है। ये आपको मेजर करके भी हम दिखा देते हैं, ये 1K से कम दिखाना चाहिए, उसको हम पॉट को एडजस्ट करेंगे तो वो 1K हो जाता है। अब हम उसको रिप्लेस करेंगे और ये जो एस एम पी एस किट है हमारी, ये एस एम पी एस के बोर्ड में हम उसको माउंट करके सोल्डर कर लेंगे। अब इस पॉट को सोल्डर करने के बाद एक बार फिर से आपको रेजिस्टेंस चेक करके बताते हैं कि कितना वहाँ शो कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 430 ओम इतना रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए अभी हमने पावर ऑन किया है तो अब एलईडी जो पहले ब्लिंक हो रही थी वो अब कंटिन्यूसली ग्लो होने लग गई है। इसका मतलब अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसको मल्टीमीटर से भी हम चेक करके देखेंगे, वोल्टेज मेजर करके देखेंगे कि वोल्टेज कंटिन्यूसली हमें 5 वोल्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में हमें यहाँ पे जो वोल्टेज है वो मोर देन 5 वोल्ट अभी दिखा रहा है। उसको हम इस पॉट के थ्रू एडजस्ट करके एग्जैक्टली 5 वोल्ट ला सकते हैं। आपको अगर 5 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस वे से अभी हमारा ये जो एस एम पी एस है ये सुधर गया। मीन्स इसमें जो फॉल्ट था वो हमने इस पॉट को रिप्लेस करके रेक्टिफाई कर दिया है। अब इसके बाद आपको जैसा आपने इस एस एम पी एस को उस बॉडी से निकाला था वैसे ही प्रॉपरली एस एम पी एस को हम लगा देंगे। तो फाइनली हमने एक एस एम पी एस को सुधार लिया है, उसमें जो फॉल्ट था वो हमने रेक्टिफाई कर दिया है, उसको करेक्ट कर लिया है। आपने जैसे कि देखा सिर्फ 5 रुपये का एक कंपोनेंट है, हार्डली 5 रुपये का भी नहीं बोलेंगे, 2 रुपये का ही वो कंपोनेंट है जिसको आपने रिप्लेस किया और आपका 350 रुपये वाला एस एम पी एस सुधर गया। अब हम दूसरा एक और एस एम पी एस देखते हैं, उसमें क्या इशू है वो भी आपको बताते हैं। ये हमारे पास दूसरा और एक एस एम पी एस है, ये भी 5 वोल्ट का एस एम पी एस है, बट इसमें इशू ये है कि ये एग्जैक्टली 5 वोल्ट जनरेट नहीं कर रहे हैं। मीन्स हमको 5 वोल्ट मिल नहीं रहा है और हम अगर पॉट को एडजस्ट भी कर रहे हैं तो पॉट को एडजस्ट करने पे 4.28 से लेके 4.7675 तक ही हमको वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे सफिशियंट वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो अब हम देखेंगे। अब इस एसएमपीएस को भी अब हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद देखेंगे कि सर्किट में कुछ इशू दिख रहा है क्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ अभी हम ये सर्किट को ओपन कर रहे हैं, उसका बॉडी से अलग कर रहे हैं। अब ये जो पीसीबी है, इस पीसीबी में आप देखिए आपको ये जो कैपेसिटर है ये थोड़ा सा फूला हुआ दिख रहा है, बाकी का ये साइड में जो कैपेसिटर है वो अच्छा लग रहा है, बट ये एक जो कैपेसिटर है वो थोड़ा सा फूला है। मीन्स वो फूट चुका है या फिर वो खराब हो गया है, इस वजह से ही वो उस तरीके से दिख रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं। तो चलिए अभी इसको रिप्लेस करते हैं, डीसोल्डर करके हमको इसको निकालना है और जो वैल्यू है सेम वैल्यू का ही कैपेसिटर हम यहाँ पे लगाएंगे।
ये देखिए यहाँ पे हमने जो कैपेसिटर निकाला है उसका वैल्यू है 470 माइक्रोफेरेट 25 वोल्ट। हम सेम वैल्यू का कैपेसिटर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, 470 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट का यहाँ पे हम कैपेसिटर सोल्डर करेंगे। ये फ्रेश कैपेसिटर है, न्यू कैपेसिटर है, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद फिर से एक बार सर्किट को ऑन करके देखेंगे, एसएमपीएस को पावर दे के देखेंगे और चेक करेंगे कि अब सफिशिएंट हमको वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हमने ये कैपेसिटर रिप्लेस कर लिया है, अब इसके बाद हम पावर ऑन किए हैं। पावर ऑन करने के बाद वोल्टेज चेक करते ही कितना वोल्टेज हमको यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं 4.64 वोल्ट हमको मिल रहा है। अब हम स्पॉट से एडजस्ट करेंगे, स्पॉट से एडजस्ट करके कितना हाई वोल्ट तक हम जा सकते हैं वो एक बार चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 6.12 वोल्ट तक जा पा रहे हैं और बिलो में 4.64 वोल्ट तक जा रहे हैं। तो आप कहीं पे भी इस वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये 5 वोल्ट का एसएमपीएस है तो हम इसको 5 वोल्ट पे ही एडजस्ट करेंगे ताकि ये हमको 5 वोल्ट आउटपुट दे जिससे हम कोई भी लोड चला सके। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे कंपोनेंट्स को यूज़ करके, उसको रिप्लेस करके आप एसएमपीएस को सुधार सकते हैं। अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स हैं इनकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं होती, हार्डली 2 रुपए से लेके 10 रुपए तक के कंपोनेंट्स को यूज़ करके, रिप्लेस करके आप 300, 350, इवन 1000 रुपए तक के एसएमपीएस को आप सुधार सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।